हे गाइस, दोबारा से स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन मीडिया एक्सप्रेस में। आज हम बात करने वाले हैं भाग्यलक्ष्मी सीरियल के 26 अप्रैल के 550th एपिसोड के अपडेट के बारे में। आज ही हमें देखने मिलता है मलिष्का नीलम आंटी से सारी बातें बता रही है जो कि उसके साथ ढाबे पे हुई थी, और वो बातें सुनकर नीलम चिंता में आ गई है और वो अनजाने में मलिष्का से घाई घाई में हड़बड़ी में कह देती है, क्यों गया वो यहाँ, मरना है क्या उसे। इस बात पे मलिष्का को थोड़ा शक जाता है। दूसरी ओर हमें देखने मिलता है एक सर्वेंट काम सारे कर नीलम को इन्फॉर्म करने जा रहा है। वहीं मलिष्का नीलम से पूछ रही है कि क्या हुआ, कुछ तो बात है ना, बताती क्यों नहीं। और नीलम यहाँ वहाँ की बातें करके वो बातें टाल देती है। आगे हमें देखने मिलता है ऋषि मंत्रालय आ चुका है और वहाँ घर पर नीलम परेशान हो रही है क्योंकि ऋषि को फोन नहीं लग रहा, क्योंकि उसका फोन मलिष्का के पास है और लक्ष्मी का फोन तो टेररिस्ट लोग के पास, उसको फोन नहीं लग रहा। वो बहुत परेशान है, बहुत चिंतित है। इसी के कारण वो जाती है वीरेंद्र के पास और उसे कहती है मंत्रालय की सेक्रेटरी को फोन करे ताकि उससे पता चल सके ऋषि कहाँ है। वीरेंद्र को नीलम की ये परेशानी देखकर उसे कोई तो शक जा रहा है कि कुछ तो बात है जो कि नीलम छुपा रही है। और एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। दोस्तों क्या लगता है, दोस्तों क्या होगा आगे, क्या ऋषि लक्ष्मी को बचा पाएगा या वीरेंद्र और मलिष्का को पता चलेगा नीलम बात क्या छुपा रही है। देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा क्या होगा आगे। इसी तरह और भी वीडियो जानने के लिए देखने के लिए हमारे चैनल इंडियन मीडिया एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कमेंट में जरूर बताना क्या लगता है आपको, क्या होगा आगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।